गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से स्टॉक्स को हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। हमने कल डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई दोनों में से गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद अगर हमें 5 मिनट या 15 मिनट पर कोई भी इस टाइप का प्राइस एक्शन अगर दिखता है तो हम इमीडिएट सेल करेंगे। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा ये स्विंग का होगा और 1:2 हम टारगेट प्लान करेंगे। तो आप देख सकते हैं इजीली बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ सबको मिला होगा खुलने के बाद। या फिर बैंक निफ्टी ने यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम किया, देन आफ्टर ये कंसोलिडेशन में रहा काफ़ी देर होल्ड करने के बाद, फिर लास्टली ये ब्रेकडाउन दिया। तो अब हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। कल अगर हम 15 मिनट पर देखें तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि निफ्टी में आज एक सेलिंग प्रेशर, एक प्रॉफिट बुकिंग था। तो यहाँ से हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला, इस जगह से, इस एरिया से हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला। तो जब तक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज नहीं देता है, मीन्स एक 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं देता है, हम बाइंग के लिए प्रेफर नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर एक 15 मिनट का क्लोज देता है कैंडल 18,850 के ऊपर, फिर कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो हम इसके बाद बाई करेंगे, कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:2 टारगेट प्लान करेंगे। फिर निफ्टी कोशिश करेगा इस स्विंग को वापस से रीटेस्ट करने का, यहाँ तक हमारा 1:2 हमें इजीली अचीव हो जाएगा। अगर बट ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे सेलिंग के साइड पे, बाइंग के लिए हम उतना नहीं देखेंगे। रीज़न बीइंग कि आज यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर तो यहाँ पे हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो कल निफ्टी अगर फ्लैट खुलता, फ्लैट खुलने के बाद ये लेवल को नीचे में तोड़ता है तो फिर हमें फॉलो थ्रू में सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो 18,870-75 अगर फ्लैट खुलने के बाद निफ्टी इसके नीचे निकलता है तो फॉलो थ्रू में हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ तक के लिए 18,700-18,800 ये लेवल हमें इजिली 18,700 ये सारे लेवल हमें रीटेस्ट होते हुए दिखेंगे। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो, अगर गैप डाउन मान लीजिए निफ्टी कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलने के बाद ये आएगा यहाँ पे, फिर ये रेजिस्टेंस एरिया पे हिट करेगा क्योंकि ये गैप है और गैप ऑलवेज एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे ये हिट करता है, हिट करने के बाद अगर कुछ ऐसा प्राइस एक्शन आपको दिखता है तो फिर हम यहाँ पे वापस से सेलिंग के लिए ही प्रेफर करेंगे, बाइंग के लिए हम प्रेफर नहीं करेंगे निफ्टी को। चलिए अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला होगा। अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा फ्लो में मार्केट नीचे आया एज़ कंपैरिजन टू निफ्टी। तो यहाँ अगर देखेंगे तो सेम आपको प्राइस एक्शन देखने को मिला, एक 5 मिनट का कैंडल पे अगर आप देखें तो आपको ये ईजी प्राइस एक्शन मिला, देन आफ्टर यहाँ से आपको थोड़ा कंसोलिडेशन और फिर सेकेंड हाफ में हमें एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी अगर मान लीजिए 15 मिनट में हम देखते कल कैसा ट्रेड कर सकता है, तो बैंक निफ्टी में यहाँ से हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है कुछ 43,400 के आसपास से। तो जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज नहीं करता एक 15 मिनट का कैंडल, हम बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है और कैंडल का ब्रेकआउट होता है तभी हम बाइंग के लिए प्रेफर करेंगे, एल्स हम बाइंग के साइड को अवॉइड करेंगे। बट बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुल के ये लेवल को तोड़ता है, वापस से अगर इसके नीचे निकलता है कहीं भी 43,200 इसके नीचे निकलता है तो हम इमीडिएट सेल करेंगे, 50 से 60 रुपये का स्टॉप लॉस, ये सारे लेवल रीटेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ से हमें एक शार्प बाइंग देखने को मिला था तो चांसेस है कि बैंक निफ्टी इस लेवल को रीटेस्ट करे, देन आफ्टर शायद बैंक निफ्टी यहाँ तक आपका 42,500 ये सारे लेवल को रीटेस्ट करे तो हमें आराम से 500-600 पॉइंट का पोजिशनल मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए हम स्टॉक्स देख ले। अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद सेम एज निफ्टी यहाँ पे ये क्लोज हुआ है तो ये दिस विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे आता है, फिर हमें कुछ यहाँ पे या तो एक नेगेटिव सिनेरियो मिल जाए, एक 15 मिनट का नेगेटिव कैंडल मिल जाए तो फिर हम कैंडल के ब्रेकडाउन पे इसको शॉर्ट करेंगे, या फिर हमें कुछ ऐसा प्राइस एक्शन मिल जाए तो फिर हम यह प्राइस एक्शन के नीचे बैंक निफ्टी को वापस से सेल कर सकते हैं। गैप अप खुलने के बाद मैं बाइंग के साइड ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, रीज़न बीइंग क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस एरिया है। तो जब तक अब बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज नहीं होता डिसाइसिवली तो हम बाइंग के साइड उससे पहले प्लान नहीं करेंगे। बट अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए गैप अप खुलता है तो चांसेस है कि थोड़ा ये पॉजिटिव सेंटीमेंट में कल काम करें। चलिए अब हम बात कर ले स्टॉक्स की। तो अगर हम स्टॉक देखें तो सबसे पहले जो स्टॉक समझ में आ रहा है वो चोला फाइनेंस है। अगर डेली चार्ट में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो काफ़ी टाइम से चोला फाइनेंस इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, एक ये छोटा सा रेंज है यहाँ पे, इसके अंदर ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, सेलिंग प्रेशर के बाद ये पुलबैक आया, पुलबैक आने के बाद फिर वापस से सेलिंग और यहाँ से अब ये इसके ऊपर निकल रहा है।
तो कल मान लीजिए चोला फाइनेंस अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद 729 730 निकलता है, हम इमीडिएट इसको लॉन्ग करेंगे, 5 से 7 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 1:2 हमारा टारगेट होगा। ये कोशिश करेगा ये स्विंग को रीटेस्ट करने का, बट हमें 10 से 15 रुपए का ही टारगेट लेके चलना है, हम यहाँ तक का टारगेट लेके चलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टॉक है इंडिया होटल। अगर इंडियन होटल को हम देखें तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि सेलिंग प्रेशर में यहाँ पे ये था, देन आफ्टर यहाँ पे एक बेस का फॉर्मेशन हुआ, बेस फॉर्मेशन के बाद अब ये वापस से बाउंस कर रहा है, ये बेस फॉर्म किया, अब यहाँ पे ये एक प्राइस एक्शन डबल बॉटम बना के ये ऊपर को निकल रहा है। तो मान लीजिए कल ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद ये हाई को निकालता है, तो हम इमीडिएट इसको लॉन्ग करेंगे, 2 से 3 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, 1:2 टारगेट होगा। ये इंडियन होटल कोशिश करेगा इसके ऊपर क्लोज देने का, अगर इसके ऊपर ये क्लोज दे देता है तो फिर हमें फॉलो थ्रू में यहाँ तक के मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से शार्प सेलिंग आया था, तो जो बायर है वो कोशिश करेंगे यहाँ तक लाने का। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लें, नेक्स्ट स्टॉक अगर हम देखें तो वह जीएनएफसी हमने पहले भी शॉर्ट किया था और हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला था यहाँ जीएनएफसी में, तो हमने इस कैंडल को शॉर्ट किया था। हमने प्लान किया था कि जीएनएफसी अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को निकलता है, तो बेसिकली वीडियो के हिसाब से ये शॉर्ट इनिशिएट नहीं हुआ था, बट मैं क्योंकि लाइव ट्रेड कर रहा था तो मैंने ये जो ट्रेड है ये मैंने ट्विटर पे शेयर किया था और यहाँ पे हमने शॉर्ट इनिशिएट किया था और बिल्कुल इस जगह पे आके हमने प्रॉफिट भी बुक किया था। 5 मिनट में अगर आप देखेंगे तो आपको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था हमने। तो जीएनएफसी वापस से आप देखेंगे इसी लेवल को रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है, तो कल मान लीजिए अगर ये फ्लैट खुलता, फ्लैट खुलने के बाद 593 के नीचे निकलता, हम इसको इमीडिएट शॉर्ट करेंगे, 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 1:2 हमारा टारगेट होगा। जीएनएफसी कोशिश करेगा इस लेवल को वापस से रीटेस्ट करने का। नेक्स्ट स्टॉक अगर हम देखें, नेक्स्ट स्टॉक है एबीबी। एबीबी ही भी हमने प्लान किया था सेलिंग के लिए लास्ट टाइम, बट हमारा लेवल कभी आया नहीं तो हम इसे सेल नहीं कर पाए, बट ये वापस से अब ये सेलिंग प्रेशर में आता हुआ दिख रहा है। तो मान लीजिए एबीबी अगर कल फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये एक मिनट ये चार्ट शायद रिफ्रेश नहीं हुआ, हाँ, अगर एबीबी फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये 2990 के नीचे निकलता है या फिर 2980 के नीचे निकलता है, तो 2980 के नीचे हम इसको सेल करना प्रेफर करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। अगर 293 से लेके 2993 से लेके 2980 के बीच में अगर कहीं पे भी ये खुलता है, इसके बाद अगर 2980 को ब्रेक करता है तो हम इसको इमीडिएट शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा 10 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, 1:2 हमारा टारगेट होगा। सबसे पहले कोशिश करेगा ये इस स्विंग को रीटेस्ट करने का, इस स्विंग को रीटेस्ट करने के बाद अगर ये नीचे को क्लोज करता है तो हम पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, फिर ये सारे लेवल हमें रीटेस्ट होते हुए दिखेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।